प्रिय भक्तों, आप लोगों को बाबा गुरैया बाबा की साधना आप लोगों को करना है। तो आपको गुरैया बाबा को सिद्ध करने के लिए आपको कई ऐसी विधि विधान है, जिस विधि विधान से गुरैया बाबा को सिद्ध कर सकते हैं। गुरैया बाबा बहुत लोगों को कुल देवता है, और जिनको कुल देवता नहीं है वह भी यदि गुरैया बाबा को सिद्ध करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। गुरैया बाबा को सात्विक विधि विधान से यदि आप सिद्ध करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही उग्र और बहुत ही ताकतवर पहलवान बाबा गुरैया बाबा है। उनके आगू में किसी का नहीं चलता। जब गुरैया बाबा अपनी मनमानी ठानेंगे तो किसी का नहीं चलेगा। इसलिए आज के दिनों में गुरैया बाबा को चढ़ावना में सुअर का बलि भी चलता है। गुरैया बाबा को सुअर का बलि आज भी लोग देते हैं। पहले जिनके जिनके घर में गोसाई थे, कुल देवता थे गुरैया बाबा, उनके पूर्वज बाबा दादा ने खसी पाठी चढ़ाते थे गुरैया बाबा को। आज के दिन में जो है वह सब बकस दिया गया है। गुरैया बाबा सबको बकस दिए हैं, तो अब जो है खसी पाठी किसी को घर में नहीं चढ़ता। सात्विक पूजा होते हैं, सात्विक पूजा गुरैया बाबा का आज के दिन में होते हैं। और आज के दिन में कई ऐसे साधक रहे हैं जो गुरैया बाबा को सुअर की बलि आज भी दिया जाता है, और सुअर की बलि दे करके उनको पूजा करते हैं। कई घर ऐसा है जिनमें गुरैया बाबा को सुअर की बलि दे करके उनको गुरैया बाबा को मना करके अपनी काम निकालते हैं या उनका पूजा करते हैं। यह वीडियो सिर्फ आप लोगों को जानकारी के लिए है। आप लोग बिना वजह ही इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे घर में हैं जिनको गुरैया बाबा कुल देवता है, तो आज के दिन में भी खसी पाठी कई के घर में दिया जाता है। कहीं कहीं आज भी देखा गया है जिनको घरों में गुरैया बाबा को खसी पाठी दिया जाता है, या कुछ दिन पहले दिया जाता रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है गुरैया बाबा को आपको देना होता है। यदि आप गुरैया बाबा को सात्विक विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं, यह तो हो गई तामसिक विधि विधान से यदि पूजा करते हैं तो उनमें आपको देना होता है। यदि आप सात्विक विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, हम भी इस चीज़ को आपको कहेंगे कि सात्विक विधि विधान से ही करिए, क्योंकि वह जो है पुराना विधि विधान है। पुराना आदमी जो करके आए थे वह लोग इस प्रकार से करते थे। अब जो है लोगों का सोच बदल गया, लोगों का व्यवहार बदल गया, नियम सिस्टम सब कुछ चेंज हो गया। तो अब जो है सब कुछ जो है देवी दुर्गा के नाम पर जो है वो सब चीज़ लोगों को खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, और अच्छा है भी नहीं। किसी जीव का हत्या करना अच्छा बात नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि सात्विक विधि विधान से यदि देवी देवता मान जाते हैं तो सात्विक विधि विधान से ही देवी देवता का पूजा करें, साधना करें। आपको देवी देवता की सात्विक विधि विधान करके यदि आपको देवी देवता की कृपा प्राप्त हो जाता है तो जरूरी क्या है किसी की बलि देने की। आपको सात्विक विधि विधान में गुरैया बाबा को सिद्ध करने के लिए आपको गुड़हल का फूल, अक्षत, लौंग, इलायची, पंचमेवा, गुलहत्थी, भात गुरैया बाबा को दिया जाता है। यदि आप इस प्रकार से गुरैया बाबा को पूजा करते हैं और गुरैया बाबा को हुमाद में धूप, देसी घी और देसी घी का दीपक आप जला करके गुरैया बाबा को सिद्ध करते हैं, गुरैया बाबा को पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो गुरैया बाबा की कृपा आपके ऊपर हो जाते हैं और आपका कोई सा भी बिगड़ा हुआ काम होगा मिनट में आपका काम बन जाएगा। 1 मिनट में आपका काम हो जाएगा। कहीं भी किसी भी भगत ओझा तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप गुरैया बाबा की पूजा करें तो आपके घर में भूत प्रेत की बाधा यूं ही शांत हो जाएगा। भूत प्रेत की
किसी भी प्रकार की जिन जिन्नत की सजा है तुरंत खत्म हो जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। गुरैया बाबा इतना ज़्यादा ताकतवर और पहलवान है कि आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरैया बाबा पर आपको भरोसा है, विश्वास है, तो आपको कहीं नहीं जाना होगा। यदि विश्वास नहीं है तो आपको भटकना होगा, इतना तक मैं आपको बता सकता हूँ। आगे की जानकारी के लिए आपको अगला वीडियो देखिए। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।